हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज मैं एक कॉफ़ी शॉप में आया हूँ। इस कॉफ़ी शॉप में जो भाई काम करता है उनसे इंटरव्यू लेंगे। अगर कोई बंदा सऊदी अरब में किसी कॉफ़ी शॉप में काम के लिए आना चाहते हो, कहाँ से आओगे, आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, यहाँ आने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा, कितना घंटा से कितना घंटा तक ड्यूटी होता है, तो आज का वीडियो में फुल डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। सऊदी अरब के अंदर कॉफ़ी शॉप कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो भी बंदा आता है कॉफ़ी पीने के लिए, यहाँ से कॉफ़ी लेता है, लेके यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीता है। तो ये है कॉफ़ी बनाने का मशीन। तो आ गया हूँ भाई साहब के पास। तो भाई साहब बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सबूत सरकार। इनका नाम है मोहम्मद सबूत सरकार। आप कहाँ से हो भाई? बांग्लादेश। ये भाई जो है बांग्लादेश से है। कहाँ से आए हो, एजेंट से या कोई दोस्त वगैरह आपको वीज़ा दिया था? मैं 6 साल पहले आया एजेंट से। ये भाई जो है 6 साल पहले आया सऊदी अरब में, किसी एजेंट से आया है। तो आपका बांग्लादेश का कितना पैसा खर्चा हुआ है? मैं जब आया तब वीजा चालू नहीं था, थोड़ा बस तनख्वाह ज़्यादा लगा, 10 लाख लगा पहला। 10 लाख लगा आपका बांग्लादेश का? हाँ। यहाँ आने से पहले आप किसी जगह में ट्रेनिंग लिए थे या यहाँ आने के बाद ही काम सीखे हो? नहीं, मैं पहला एक कंपनी में काम करता था 5 साल, तो उधर मिलिट्री कैंप में। अच्छा। सा गवा ये सब बनाता हूँ पहला, अभी इधर आया वो मालिक काम सिखाया पूरा। तो मतलब आप पहले बांग्लादेश में काम करते थे, उसके बाद यहाँ आके आप काम सीखे हो। तो आपको सैलरी कितना मिलता है? अभी तो 2000 मिल रहा है। 2000 सैलरी आपको मिलता है। खाना बना किसका है? खाना मेरा, बस सब कुछ कंपनी का। बाकी अकाम वगैरह किसका है? आपका है, कपिल का? सब कंपनी का। कितना घंटा से कितना घंटा ड्यूटी होता है? 9 घंटा बस, ज़्यादा नहीं। 9 घंटा ड्यूटी होता है। सब खाने का कितना खर्चा होता है? जैसा मोजी बस 300, 400, 300, 500। मतलब खाने का आपका ऊपर डिपेंड होता है, खाने का ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपका एक्स्ट्रा खर्चा फ़ोन वगैरह ये सब वगैरह का खर्चा होता है। 300 से लेकर 400 रियाल तक खाने का खर्चा होता है। कितने साल बाद घर जाते हो? अभी तक तो नहीं गया, बस जा सकता है बस। 6 साल से अभी सऊदी अरब से नहीं गया हो? 6 साल सऊदी अरब में हो? अभी तक है नहीं। टिकट किसका होता है, कंपनी का? सब कंपनी देगा। एक्स्ट्रा कुछ सैलरी मिलता है घर जाने पर? अभी तक पता नहीं, जाएगा तो मालूम हो जाएगा। मतलब ये भाई आया है 6 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा है इसी कॉफी शॉप में, अभी तक घर गया नहीं। तो घर जाने का प्लान आपका कब का है? 1 साल बाद। और भी 1 साल ये भाई रुकेगा, 1 साल के बाद ये घर जाएगा। कोई बंदा नया आना चाहता है, उसको काम सीख के आना है या आने के बाद यहाँ पे काम सीख जाएगा? नहीं, अभी तो काम ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आदमी ज्यादा हो गया, इसके लिए काम जाने का तो मालूम हो जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब सऊदी अरब में अभी इतना कॉफ़ी शॉप है कि हिसाब से बाहर यहाँ कॉफ़ी शॉप का बहुत डिमांड है। अगर आप लोग कोई बंदा आना चाहते हो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो कोई बंदा आना चाहते हो तो अपना मुल्क में किसी कॉफ़ी शॉप में थोड़ा सा काम करके काम सीख के आते हो तो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप कुछ काम नहीं जानते हो सकता है आपको 1-2 महीना बिठा के काम सिखाए, उसके बाद हो सकता है आपका सैलरी देगा। इसलिए ये भाई का कहने का मतलब यही है, अगर आप काम सीख के आते हो तो बहुत अच्छा है। जो लोग यहाँ पे कॉफी पीने आता है वो लोग कॉफी कैसे ऑर्डर करता है? जिसको जो भी चीज लेना है उसका लिस्ट होता है ना? लिस्ट तो होता है, वो कंप्यूटर में सब है। अच्छा, मतलब कंप्यूटर में सब लिस्ट वगैरह है। नया बंदा जो भी आना चाहता है, कुछ मैसेज कैसे आएगा, कहाँ से वीजा लेगा, आने के बाद यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है? अभी आएगा तो एजेंट से आएगा तो अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग वीजा खरीद करके बेचता है उधर, बाद में आके इधर कॉफी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम होता है। इसके लिए एजेंसी में आ जाओ तो अच्छा है, बाद में कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम हो गया तो एजेंसी को पकड़ सकता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एजेंट से आते हो तो आप लोगों का पैसा भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, और एजेंट से आने से और भी अच्छा है कि यहाँ आने के बाद अगर काम वगैरह नहीं मिलता है तो आप एजेंट को पकड़ सकते हो। किसी बंदा का अगर वीज़ा देता है, आते हो यहाँ पे काम नहीं मिलता है, वो आप खुद जिम्मेवार हो जाते हो। किसी एजेंट से आते हो आपका पैसा खर्चा होता है, लेकिन एजेंट एक जिम्मेवारी लेता है कि वहाँ जाने के बाद आपको काम मिल जाएगा। जो भी कोई भाई सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ कंट्री में किसी भी कॉफ़ी शॉप में आना चाहते हो, थोड़ा बहुत काम सीख लीजिए अपना मुल्क में, उसके बाद ही आप लोगों को अच्छा होगा। वीज़ा आपको मिलेगा आपका एजेंट से, अच्छा एजेंट से बातचीत करके आप लोगों को वीज़ा लेना है, उसके बाद आकर सऊदी अरब में आप आराम से काम कर सकते हो। तो ये भाई से फुल इंटरव्यू लिए हैं। अगर आप लोग आना चाहते हो सऊदी अरब में या
किसी भी गल्फ कंट्री में कॉफ़ी शॉप के लिए तो आप लोग आ सकते हो। यहाँ आने के बाद आप लोगों को ये सारे काम करना पड़ता है। जो भी कोई बंदा आता है कॉफ़ी लेने के लिए, कॉफ़ी ऑर्डर करेगा, कंप्यूटर में सब उसका लिस्ट लिखा हुआ है कौन सा कॉफ़ी चाहिए, तो उसी हिसाब से आप कॉफ़ी बना के दीजिएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोग सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन किसी भी मुल्क में कॉफ़ी शॉप में आना चाहते हो, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो आ सकते हो। आप लोग एजेंट से वीज़ा लेके आप आ सकते हो। और भी कुछ आप लोगों को पूछना है तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमसे सवाल कर सकते हो, उसका भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।